महोबा में आवास के नाम पर ग्रामीणों से पैसे की मांग की जा रही है। वही ग्रामीणों ने डीएम की चौखट पर पहुंचकर ग्राम प्रधान की शिकायत की। सभी को छत मिले, कोई भी बेघर ना रहे, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत गांव में कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार द्वारा पक्के मकान में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार द्वारा पक्के मकान बनाकर दिए जाने थे। इस योजना के तहत सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए लगने वाली सामग्री के लिए 1,20,000 और निर्माण के लिए 18,000 रुपये टूटा विभाग के माध्यम से लाभार्थियों को दिए जाने थे। वहीं सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर ग्राम प्रधान ग्रामीणों को मकान दिलाने की एवज में पैसों की मांग कर रहे हैं। महोबा जिले की जैतपुर विकास खंड स्थित ग्राम तुरहट में दर्जनों लोगों ने ग्राम प्रधान की शिकायत डीएम से की। आइए देखते हैं सीता पाल के साथ एक खास रिपोर्ट। कारण परेशान है, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे पास ना आवास है, मकान भी नहीं है और खेती बाड़ी के लिए कोई कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी हमारे नाम नहीं है, माँ बाप हमारे खत्म हो चुके हैं और प्रधान के पास जाते हैं, कई दो तीन पंचवर्षीय होगी, दूसरी पंचवर्षीय है तो हमसे पैसे मांगता है। और एक बार हमने शिकायत करी थी, वो आए थे स्वच्छता अभियान वाले, तो ये कह रहे थे प्रधान मेरे घर पे आया था, उसने डांटा भी था मेरे को और कहा भी था, कहते हैं अगर तुम मेरी शिकायत करोगे तुम्हारा अभी तक आवास नहीं होगा। और अभी तक वो दिन है, आज का दिन है, अभी तक कोई आवास नहीं और 20,000-22,000 रुपये मांगता है। हम गरीब हैं, मजदूरी वर्ग के हैं और श्रम कार्ड भी हमारा बना हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम श्रम कार्ड को अपने को रिचार्ज करा लें। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है कि घर मकान आवास नहीं आ रहे हमारे। इसकी आपने प्रधान से शिकायत की थी? हाँ। तो क्या कहा था? वो कह रहे थे पैसे दो। कितना पैसा मांग रहे हैं? 4-5 साल से कह रहा है वो आएगा। अरे बड़े आ जाओ, यहाँ सामने आओ। एक चैनल हो जाता है ना, चेहरा दिखा जाता है।